मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी आने वाली नई वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल घर का स्वाद में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बनाएंगे ओपन ब्रेड पकौड़ा, जो कि बहुत ही आसानी से बन जाता है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं और ये ज़्यादा हैवी भी नहीं बनते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 3 मीडियम साइज के उबले मैश किए हुए आलू, 2 ब्रेड के स्लाइस, 1 प्याज बारीक कटा हुआ, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, आधा कप बेसन, 1 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स, 1/4 चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, लगभग 1 चुटकी बेकिंग सोडा, 1 छोटी चम्मच चाट मसाला, 1 छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच से भी कम हींग और नमक स्वाद के अनुसार। सबसे पहले हम बेसन का घोल बनाएंगे। उसके लिए हम एक बर्तन में डालेंगे आधा कप बेसन, आधी छोटी चम्मच से भी कम नमक, थोड़ी सी हींग डाल देंगे, 1 चम्मच हमने यहाँ पर चिली फ्लेक्स डाले हैं, आप चाहे तो इसमें लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, बारीक कटा हुआ धनिया डाल देंगे, 1/4 चम्मच इसमें हम हल्दी डालेंगे और साथ ही 1 चुटकी के करीब बेकिंग सोडा डाल देंगे। आप चाहे तो यहाँ पर इनो का यूज़ भी कर सकते हैं। और फिर इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हम घोल बनाकर तैयार करेंगे। हमें बेसन के घोल को अच्छे से फेंटना है, इसमें एक भी गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। अब आप देख सकते हैं घोल हमने इतना गाढ़ा बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसे साइड में रख देंगे। इधर हमने यहाँ पर उबले मैश किए हुए आलू लिए हैं, इन्हें हम एक बर्तन में डाल देंगे और डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, हरा धनिया, स्वाद के अनुसार इसमें हम नमक डालेंगे, 1 छोटी चम्मच चाट मसाला, 1/4 चम्मच इसमें लाल मिर्च डाल देंगे और आधी छोटी चम्मच हम गरम मसाला डाल देंगे, 1 छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर। अब हम हाथों से सभी चीज़ों को मिलाते हुए अच्छे से इसका डो बनाकर तैयार कर देंगे। ये हमने सभी चीज़ों को मिक्स करते हुए इस तरह डो बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसे भी हम साइड में रख देंगे और हमने यहाँ पर 2 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। अब हम एक ब्रेड के स्लाइस को लेकर चाकू से इस तरह हम कट करेंगे और इसके हम 4 पीस कर देंगे। आप देख सकते हैं हमने ब्रेड को इस तरह छोटे टुकड़ों में कट कर दिया है। अब हम एक ब्रेड के पीस को लेकर उस पर 1 चम्मच के करीब आलू का ये मसाला रख देंगे और अच्छे से ब्रेड पर चारों तरफ फैला देंगे। बस इसी तरह हम सारे ब्रेड के पीस पर आलू का मसाला लगाकर तैयार कर लेंगे। ये हमने सारे ब्रेड पर आलू का मसाला लगाकर तैयार कर लिया है। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई में तेल डालकर तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम बेसन के घोल को एक बार और अच्छे से मिक्स कर देते हैं। फिर हम एक ब्रेड के स्लाइस को लेकर बेसन के घोल में इस तरह अच्छे से डिप करेंगे और सावधानी के साथ इसे हम तेल में डाल देंगे। एक साथ बहुत सारे पीस ना डालें, वरना ये आपस में चिपक जाएंगे। अब हम नीचे से इन्हें अच्छे से भूरा होने तक सेकेंगे। कुछ देर बाद इन्हें हम पलट देंगे और दूसरी साइड से भी सेकेंगे। बस इसी तरह लटते पलटते हुए इन्हें हम अच्छे से क्रिस्पी होने तक सेकेंगे। इधर आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से सिक चुके हैं।
अब बस इन्हें हम प्लेट में निकाल देंगे और बाकी ब्रेड के स्लाइस को भी हम बेसन के घोल में डिप करेंगे और इसी तरह सेक कर तैयार करेंगे। ये हमने सभी ब्रेड के पकोड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब आप इसे हरी चटनी या सॉस के साथ या चाय के साथ सर्व करें, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे। यदि आप इस तरह ब्रेड पकोड़ा बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाते हैं और खाने में भी टेस्टी लगते हैं। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।